हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जेंट्स। एक कैटेगरी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, जो हमारा फोर्थ यूनिट है उसका एक टॉपिक है एंटी कन्वर्जेंट। इसे एंटी इपिलेप्टिक भी कहा जाता है। एंटी इपिलेप्टिक्स यानी सीजर्स जिस बीमारी में आते हैं उसे एंटी इपिलेप्टिक्स या एंटी कन्वर्जेंस कहा जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट्स, सार ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, यूजेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और इसके लिए जो रेफरेंसेस यूज किए गए। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंटी कन्वर्जेंट कहाँ यूज़ किए जाते हैं या कौन से डिसीज में, उस डिसीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। द एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ये इनके सिनोनेम है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एंटी सीजर ड्रग्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं इनएडिक्वेट और इम्प्रेसिव कंट्रोल, यानी CNS में जो डिसऑर्डर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि ट्रांजेंट अटैक आते हैं, डिस्टर्ब ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से सडन मोटर यानी हमारे जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसे हम मिर्गी का दौरा आना भी कहते हैं उस टाइप का, या फिर सेंसरी अचानक से आपका स्किन का वगैरह सेंसेशन चले जाना, आँखों का सेंसेशन दिखता नहीं है सडन, तो ये सेंसरी भी कोलैप्स हो जाता है सिस्टम हमारा, या साइकिक सीक्वेंस ऑफ हिम, अचानक आदमी बात कर रहा है अगर उसको सीजर्स आते हैं तो अचानक से अपने आप बात करने लगता है, इररिलेवेंट बात करता है, ऐसे भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे सीजर्स एपिसोड्स या एपिलेप्टिक सीजर्स जिसे बोलते हैं ये हो सकता है। सीजर्स के जो सिम्टम्स हैं वो है डिस्टर्ब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टाइप में होता है, जैसे हमारा बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है तो सडनली जल जाता है या सिस्टम बंद हो जाता है, ओके लाइट का, उसी तरह से अगर ब्रेन में जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मसल्स बॉडी पार्ट्स, यानी सडन एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बॉडी पार्ट का, आदमी या पेशेंट जो है वो सडन हाथ लंबे कर लेता है, पैर लंबे कर लेता है, ओके उसके पास एक्सेसिव एंड सिंक्रोनाइज डिस्चार्ज, यानी सडन एकदम पूरी बॉडी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो जिस पोजीशन में पेशेंट है उसी पोजीशन में रहता है, ओके। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट सीजर्स में रिजल्ट फ्रॉम सीजर्स कई की वजह से होते हैं प्राइमरी और एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, यानी न्यूरोनल सिस्टम में जो हमारा ब्रेन और बॉडी का ऑर्डर है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से एक्साइटरी या इनहिबिटरी प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है जिसकी वजह से सडन इफेक्ट हमारे बॉडी पर दिखता है। देर आर मेनी पॉसिबल कॉजेस, यानी इसके बहुत सारे रीजन्स है सीजर्स के, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, हेड ट्रामा यानी कोई तो ऐसी शॉक वाली चीज़ पेशेंट को हो सकती है कि कुछ इमोशनल अटैक हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन का जो फंक्शनिंग है बाकी बॉडी पार्ट के साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्टमिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, दारू पीने की वजह से भी हो सकता है, या किसी मेडिसिन का ज़्यादा डोज लेंगे या उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ओके तो ये सब इसके रीजंस हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी क्या होता है, द लोकेशन एंड द एक्सटेंट यानी कहाँ पर होता है, एबनॉर्मल फायरिंग इज इसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एपिलेप्सी टाइप आर एज फॉलोज, यानी सीजर्स कैसे होते हैं उसके हिसाब से, प्राइमरी जनरलाइज्ड सीजर्स, इसमें कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स यानी ग्रैंड मल, इसको ग्रैंड मल भी कहा जाता है। ए टोनिक क्लोनिक सीजर्स ये हमेशा जो है बायोलैटरल मस्कुलर जर्क्स यानी सडन हाथ खींचा जाता है या स्ट्रेट होता है फिर लूज होता है, स्ट्रेट होता है फिर उसको रिलैक्स होता है, तो फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी उस पेशेंट को कोई भी कॉन्शियस नहीं रहता, वो होश में नहीं रहता, बट वो पूरी तरह से हाथ हिलाता है यानी हाथ एकदम ऐसा स्ट्रेट कर देता है और वापस रिलैक्स कर देता है, ये कंटिन्यूस होता है, इसको टोनिक क्लोनिक कहते हैं, टोनिक क्लोनिक स्पाजम भी होता है। एब्सेंस ऑफ पेटिटमल सीजर्स, अ टिपिकल एब्सेंस सीजर्स क्लासिकल पेटिटमल सीजर कंसिस्ट ऑफ सडन ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब इसमें जो है पेशेंट बेहोश होता है बट
ज़्यादा देर के लिए नहीं, ई में भी 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक भी हो सकता है, बट वापस वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके 10 सेकंड्स तक जो एब्सेंस ऑफ सीजर्स में यानी पेटिनमल सीजर्स में होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होता है आदमी 10 सेकंड के लिए, समटाइम्स विद नो मोटर एक्टिविटी, कभी कभी सिर्फ बेहोश होता है, कोई उसको बॉडी पार्ट हिलता नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ बेहोश होता है। और क्या बोलते हैं हम मोटर एक्टिविटी ने, जैसे कि मैंने बताया हाथ ऐसा एकदम स्ट्रेट होता है, पैर स्ट्रेट होते हैं, वापस रिलैक्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो कॉन्शियस यानी अपना होश को देता है। पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स आर फोकल दे, ये इसका जो है एबनॉर्मल डिस्चार्ज प्रोसीड ओवर द कॉर्टिकल साइट इनवॉल्व, द विजिबल सीजर्स प्रोग्रेसिव ओवर द एरिया ऑफ बॉडी कंट्रोल बाय कॉर्टिकल साइट। पार्शियल सीजर्स इफ नॉट कंट्रोल मे प्रोग्रेस टू अनदर सीजर टाइप नोन एज सेकेंडरी जनरलाइज पार्शियल सीजर, टोनिक क्लोनिक और ग्रैंड मल सीजर्स। ये क्या होता है, सडन विजिबिलिटी यानी हमारे जो कॉर्टिक रीजन है ब्रेन का, वो जहाँ जहाँ कंट्रोल को इतना उतना ही हिस्सा जो है वो स्टॉप हो जाता है या उसका कंट्रोल खो देता है ब्रेन उसके ऊपर, कॉर्टिकल रीजन के ऊपर। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये आगे फिर टोनिक क्लोनिक सीजर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। और उसके अगले वाला है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, टेम्पोरल लोब और साइकोमोटर। साइकोमोटर इपिलेप्टिक सीजर नॉर्मली डिस्प्ले आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या फिर ऐसी मेंटल सिचुएशन आना कि सडन उसको शॉक बैठना, मेंटल एफेथी एंड सडन इरिटेशनल एंड डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा गुस्सा आता है पेशेंट को कि वो गुस्से में कुछ भी कर बैठता, तोड़फोड़ करना, किसी और को मारना, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से इरिटेट ज़्यादा हो जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स या साइको मोटर सीजर्स भी बोलते हैं। अब इस सब सिचुएशन में कौन सी ड्रग्स मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। जो भी ड्रग्स इन सीजर्स को कंट्रोल करने, मैनेज करने या सीजर्स ना आए इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी ड्रग्स को या मेडिसिंस को हम एंटी कन्वल्जन ड्रग, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग या एंटी सीजर ड्रग बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, बारबिट्यूरेट्स, ओके, बारबिट्यूरेट्स में एग्जांपल है फिनोबारबिटल, मेफोबारबिटल, ओके, फिनोबारबिटल या मेफोबारबिटल, मेथारबारबिटल भी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बारबिट्यूरेट्स, द फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास है हेड एंड टॉइंस, दैट इज फेनिटॉइंस, मेफेंटॉइंस, ऑक्सीजोलिडिन डायोन्स, ये है पैरामिथाडायोन और ट्रामेटाडायोन, ओके। उसके बाद है सक्सिनामाइड्स, ये इसका है फेनसक्सिमाइड, मिथोसक्सिमाइड, बेंजोडाइजेपिन्स, इसमें है डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम और मिसलेन, इसमें है वैलप्रोइक एसिड, ओके। इसके बाद कुछ और भी ड्रग्स है वो हम बाद में देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, 3 मेन मैकेनिज्म से एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स काम करते हैं। ये क्या करते हैं, गाबा की एक्शन बढ़ाते हैं, ये सोडियम चैनल का जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं, साथ में कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करते हैं। दूसरे मैकेनिज्म जो जिसमें इंक्लूड होते हैं वो है इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिलीज एंड ब्लॉक ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ये दोनों के जरिए भी ये काम करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स एज अ क्लास ऑफ ड्रग्स मोस्टली पोसेसेस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज। बारबिट्यूरेट्स तो सेडेटिव हिप्नोटिक के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, बट वही ड्रग्स हमारे एपिलेप्सी में भी यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन बारबिट्यूरेट जो कि हम एज एंटी कन्वर्जेंट यूज़ करते हैं वो है फिनोबारबिटल और मेफोबारबिटल एंड मेथाबारबिटल। फिनोबारबिटल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, फिनोबारबिटल जो है ड्रग ऑफ चॉइस है और एंड इज यूज वर्चुअली इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ इपिलेप्टिक सीजर्स, सभी टाइप के सीजर्स में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रैंड मल, पेटिट मल और साइकोमोटर। ये इसका स्ट्रक्चर बारबिट्यूरेट्स का, बारबिट्यूरिक एसिड विथ AQ इज द एक्टिविटी चेंजिंग साइट्स। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर
फिनोबारबिटोन, R1 यहाँ पर होगा H, ओके, R2 यहाँ पर होगा इथाइल ग्रुप और R3 यहाँ पर होगा फिनाइल ग्रुप, ये होगा फिनोबारबिटोन। मेफोबारबिटोन में R1 की जगह पर सिर्फ होगा CH3। मेथबारबिटल में क्या होगा, यहाँ पर CH3 और ये R2 और R3 पे इथाइल ग्रुप होगा। ओके, ये सब जो है ऑप्टिमल एक्टिविटीज ऑब्जर्व व्हेन वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एट C5 इज अ फिनाइल। ये दोनों में से एक तो भी फिनाइल रहा तो ऑप्टिमल एक्टिविटी दिखती है। उसके बाद द 5-5 डाइफिनाइल डेरिवेटिव्स हैव लेस एक्टिविटी, तो ये दोनों पे अगर हम फिनाइल ग्रुप देते हैं तो एक्टिविटी बहुत कम होती है, दैट इज फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन से कम होती है। N1 एंड N3 यहाँ पर और यहाँ पर, इन सम केसेस सब्स्टिट्यूट ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इस पर अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते जैसे मेफोबारबिटोन और मेथबारबिटल तो यहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज होती है। 5-5 डायबेंजल बारबिट्यूरिक एसिड कॉजेस कन्वर्जेंस, अगर हम यहाँ पर डायबेंजाइल डेरिवेटिव देते हैं तो वो कन्वर्जन प्रोड्यूस करता है ना कि कन्वर्जन कम करता है। हेडेंटॉइंस, द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग हेडेंटॉइन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग 3 कंपाउंड्स, फेनिटॉइन, इथोटॉइन एंड मेफेंटॉइन। अब इसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो वाली है, ये वाली जो कि हमने इससे पहले भी देखा है, हेडेंटॉइंस, ये हेडेंटॉइंस और ये हेडेंटॉइन रिंग। ओके, ये तीनों ड्रग्स हैं, ये है मेफेटॉइन, ये है मेफेटॉइन, ये है इथेटॉइन और ये है मेफेंटॉइन। ओके, फेंटॉइन, इथोटॉइन और मेफेंटॉइन। अब इसका सार हम देखेंगे, यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर दिया है जो कि अपना हेडेंटॉइन का रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें R1, R2 और R3 ये तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है जहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। फिनाइल इथाइल हेडेंटॉइन, इसमें जो है R2 और R3 पर, R2 पर इथाइल ग्रुप रहेगा और R3 पर फिनाइल ग्रुप, तो R1 पर कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, दैट इज H रहेगा, तो ये हो गया फिनाइल इथाइल फेनिटॉइन। सेम स्ट्रक्चर रहेगा फेनिटॉइन का, फेनिटॉइन में R1 की जगह पर H है, R2 और R3 की जगह पर फिनाइल ग्रुप है, दो फिनाइल ग्रुप, ये होगा फेनिटॉइन। मेफेनिटॉइन मीन्स मिथाइल ग्रुप रहेगा, कहाँ पर, R1 पर CH3, R2 पर इथाइल C2H5 और R3 पर रहेगा C6H5। ओके, इथोटॉइन में क्या रहेगा, यहाँ पर R1 पर रहेगा C2H5, R2 पर रहेगा H और R3 पर रहेगा C6H5। ओके, अब फिनाइल और अदर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट एट अ C5 इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप या कोई और एरोमेटिक ग्रुप है तो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अल्किल सब्स्टिट्यूएंट एट 5 पोजीशन में कंट्रीब्यूट टू सेडेशन, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो सेडेशन के लिए काम करता है। अमंग अदर हेडेंटॉइंस लाइक स्पायरो हेडेंटॉइंस एंड थायो हेडेंटॉइंस, डायथायो हेडेंटॉइंस एंड 1,3 डाय सब्स्टिट्यूटेड हेडेंटॉइंस, सम एग्जिबिट एक्टिविटी अगेंस्ट केमिकली इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस। तो जो ये बाकी हेडेंटॉइंस है अदर देन दिस दैट, तो वो जो है केमिकली इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस जो होते हैं उसको अगेंस्ट में काम करते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाइल रिमेनिंग आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट इलेक्ट्रोशॉक, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो कन्वर्जेंस आते हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सार ऑफ हेडेंटॉइंस में देखिए, ये जो 5 है, ये 5 फिनाइल और अदर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अल्किल सब्स्टिट्यूशन एट पोजिशन 5 एट पोजिशन 5 मे कंट्रीब्यूट टू सेडेशन विच इज एब्सेंट इन फेनिटॉइन, फेनिटॉइन में एब्सेंट रहे। 1,3 डाय सब्स्टिट्यूटेड हेडेंटॉइंस एग्जिबिट एक्टिविटी अगेंस्ट द केमिकली इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस। अब देखिए R1 और R यहाँ पर जो है, फॉर मैक्सिमल एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी पोजिशन 5 मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विद द 2 फिनाइल ग्रुप्स, यानी ये दोनों फिनाइल ग्रुप फिनाइल से सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर फिनाइल ग्रुप हम निकाल देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं लार्जर एरिल ग्रुप से तो एक्टिविटी डिक्रीज या ख़त्म हो जाती है। एन मिथाइलेशन और एन इथाइलेशन यहाँ पर, तो पोजीशन 3 लीड्स टू इंक्रीज इन एक्टिविटी।
फेनिटॉइन, ये देखिए ये सबसे पुराना ड्रग है जो कि एंटी इपिलेक्टिक ड्रग बोलकर हम यूज़ करते हैं। फॉस्फेनिटॉइन अ मोर सोल्यूबल प्रोड्रग इज़ यूज्ड फॉर पैरेंटल यूज। फीटल हेडेंटॉइन सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से ये हम लैक्टेटिंग वुमन या फिर प्रेग्नेंट वुमन में नहीं यूज़ कर सकते। इसमें जो है अल्टर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल कंडक्टेंस को ब्लॉक करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग भी कम होती है। अल्टर्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसकी वजह से कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली चलता है। अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा कर दे और न्यूरो ट्रांसमीटर का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन एस्टेरिकोलिन और गाबा का, जिसकी वजह से हमें एक्शन फास्ट दिखती है। सिंथेसिस जो होगा इसका इस तरह से, बेंजील इज रिएक्टेड विद यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथानॉल, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करेगा। इस इंटरमीडिएट को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे अंडरगो पिनाकोल रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट एंड आफ्टर दैट 1-to-phenyl shift होगा। 1-to-phenyl shift के बाद ये प्रोटोनेटेड कीटोन बनेगा जिसका फर्दर कन्वर्जन होगा आपके फेनिटॉइन। ओके फेनिटॉइन यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग ग्रैंडमल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द कार्डियक अरिथमियासिस। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीट मायोटोनिया यानी मसल्स का जो टोनिंग है, वो जो डिस्टर्ब टोनिंग, उसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट सर्टन वराइटीज ऑफ माइग्रेन को भी, माइग्रेन में भी यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अटैक्सिया एंड निस्टेमैगस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, गैंग्यूअल हाइपरप्लासिया, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स, एक्सेबरेट्स अब्सेंस ऑफ सीजर्स। एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कॉजेस अ टाइप ऑफ डेसिब्रेट रिजिडिटी, मसल्स में रिजिडनेस आ जाता है। दूसरी कैटेगरी है हमारी ऑक्साजोलिडिन डायोन्स। द यूरियाइड फंक्शन प्रेजेंट इन ऑक्साजोलिडिन डायोन्स, इसमें जो है रिजेंबल जो है सिमिलर टू हेडेंटॉइन्स, हेडेंटॉइन के जैसे आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगा। डिफर्स ओनली इन द रिप्लेसमेंट ऑफ NH लेटर बाय एन ऑक्सीजन, यहाँ पर जो NH था उसकी जगह पर ऑक्सीजन आया। ओके ट्राइमिथाडायोन पैरामिथाडायोन, ये दो मेजर ड्रग्स हैं जो कि इस कैटेगरी से यूज़ किए जाते हैं। ओके अगली कैटेगरी है सक्सीनामाइड्स ड्यू टू इनहेरेंट हाई लेवल टॉक्सिसिटी एट्रीब्यूटेड बाय ऑक्साजोलिडिन डायोन्स इन प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी एज एंटी कन्वल्जेंट्स। अभी इसका जो है ऑक्साजोलिडिन डायोन्स ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, लॉन्गर टाइम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको रिप्लेस किया है बाय सक्सीनामाइड डेरिवेटिव्स जो कि इफेक्टिव और लेस टॉक्सिक है देन ऑक्साजोलिडिन डायोन्स। फेनसक्सीमाइड इथोसक्सीमाइड, ओके फेनसक्सीमाइड का स्ट्रक्चर ये वाला है जिसमें कि पायराजोल रिंग में दो ऑक्सीजन अटैच है, नाइट्रोजन पर CH3 और फोर्थ पोजिशन पर फिनाइल ग्रुप है। इफेक्टिव अगेंस्ट अब्सेंस सीजर्स, यानी सीजर्स तो है बट उसमें कुछ मोटर एक्टिविटी नहीं है, यानी मसल में कुछ एक्शन नहीं है, तो फिनसक्सीमाइड यूज़ करते हैं। और अगर इफेक्टिव अगेंस्ट, ये भी सेम है जैसे कि इथोसक्सीमाइड जिसमें कि इथाइल ग्रुप है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस सिर्फ इथाइल ग्रुप और CH3 ग्रुप है, इथोसक्सीमाइड। ओके सार में देखिए ये है बेसिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ इथोसक्सीमाइड। अगर हम R1 पर फिनाइल, R2 पर H और R3 पर CH3 देंगे तो ये होगा फेनसक्सीमाइड। मेथसक्सीमाइड पर भी सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा बट इसमें जो है R2 की जगह भी CH3 रहेगा। उसके बाद इथोसक्सीमाइड पर R1 पर रहेगा C6H5 फिनाइल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप, उसके बाद R2 पर रहेगा CH3 ग्रुप और R3 पर रहेगा H। दिस इज अबाउट द इथोसक्सीमाइड। मेथसक्सीमाइड एंड फेनसक्सीमाइड हैव फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट विच मेक्स देम एक्टिव, ये क्या करेंगे एक्टिव बनाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड यानी इलेक्ट्रिक शॉक से जो होते हैं उसमें। एन मिथाइलेशन डिक्रीजेस एक्टिविटी
अगेंस्ट इलेक्ट्रोशॉक सीजर एंड इम्पार्ट मोर एक्टिविटी अगेंस्ट द केमिकली इंड्यूस्ड कन्वर्जेंस, यानी केमिकल की वजह से भी हमारे ब्रेन में अल्ट्रेशन हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. इथोसक्सिमाइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेंस सीजर्स, डज नॉट मॉडिफाई मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर और इनिबिट काइंडलिंग, हाई इफिकेसी एंड सेफ्टी, नॉट प्लाज्मा प्रोटीन और फैट बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन या फैट को बाइंड नहीं होता है. मोड ऑफ एक्शन जो इन्वॉल्व है इसमें वो है थ्रीशोल्ड ऑफ कैल्शियम चैनल करंट को कम करते हैं थैलेमस के अंदर, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम और पोटेशियम एटीपेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं. डिप्रेसेस सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम किया जाता है. पोटेंशिएट्स गाबा. फिनोसक्सिमाइड इज लेस इफेक्टिव, मेथसक्सिमाइड इज मोर टॉक्सिक, जिसकी वजह से इथोसक्सिमाइड ज़्यादा यूज में होता है. इथोसक्सिमाइड का सिंथेसिस है मिथाइल इथाइल कीटोन की रिएक्शन करते हैं इथाइल साइनोफॉर्मेट के साथ, जिसका हमें प्रोडक्ट मिलता है इथाइल टू साइनो थ्री मिथाइल पेंटोइनोट. ओके, जिसकी रिएक्शन फिर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा इथाइल टू थ्री डाई साइनो थ्री मिथाइल पेंटानोएट, ईस्टर है. उसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिड के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा टू इथाइल टू मिथाइल सक्सिनिक एसिड, जिसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा इथो सक्सिमाइड. दिस इज द सिंथेसिस. ओके, इसका जो टॉक्सिसिटी है या एडवर्स रिएक्शन हम बोलते हैं गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है, गैस्ट्रिक सिस्टम में प्रॉब्लम, पेन हो सकता है, नौजिया और ओमिटिंग ये भी टॉक्सिफिक इफेक्ट्स बताता है, लिथर्जी और फटिक ज़्यादा आता है पेशेंट्स में, हेडेक रहता है, हिकअप्स, यूफोरिया और स्किन रैशेस हो सकते हैं. डोज जो है इसका 20 से 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे है और अवेलेबल इन सिरप एज वेल एज कैप्सूल्स, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बेंजोडाइजेपिन्स. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.